नमस्कार दोस्तों, निम्बस अकेडमी रीवा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम सीखेंगे प्रमुख बौद्ध संगीतियाँ कि कौन सी बौद्ध संगीत कब हुई, और इसको हम सीखेंगे बहुत ही आसान सी ट्रिक के साथ। तो इसके लिए दोस्तों एक ट्रिक देख लें आप लोग। ट्रिक है, राजा महाराजा आजा, वेश सबका काल है, पटाओ मध्य काशी के कुंवर जी कंगाल है। राजा महाराजा आजा, वेश सबका काल है, पटाओ मध्य काशी के कुंवर जी कंगाल है। दोस्तों एक दो बार पढ़ेंगे तो ये अच्छे से आपको याद हो जाएगी। चलिए देख लेते हैं किस ट्रिक में कहां पर क्या है। तो ये जो पहली लाइन लिखा हूं दोस्तों, ये प्रथम बौद्ध संगीत के लिए है, दूसरी लाइन द्वितीय बौद्ध संगीत के लिए, तीसरी लाइन तृतीय बौद्ध संगीत के लिए, और चौथी लाइन है चतुर्थ बौद्ध संगीत के लिए। पहली लाइन में ये जो पहला शब्द है ये स्थान के लिए है, दूसरा शब्द है अध्यक्ष के लिए है, तीसरा शब्द है शासन काल के लिए है। ऐसे दूसरी लाइन में पहला शब्द स्थान के लिए, दूसरा अध्यक्ष, तीसरा किसके शासनकाल में हुई। तीसरी लाइन में पहला शब्द स्थान, दूसरा अध्यक्ष निकालेंगे और तीसरे शब्द से शासनकाल निकालेंगे। ऐसे चौथी लाइन में पहला शब्द स्थान, दूसरा अध्यक्ष और तीसरा शब्द जो है शासनकाल के लिए है। चलिए दोस्तों इसको देख लें कि प्रथम बौद्ध संगीत हुई कब है। तो प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन 483 ईसा पूर्व में हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में। द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन 383 ईसा पूर्व में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था 255 ईसा पूर्व में हुआ था, और चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन दोस्तों ईसवी की प्रथम शताब्दी में हुआ था। ईसवी की प्रथम शताब्दी में चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था। दोस्तों सबसे पहले हम लोग देख लें कि कब हुए। तो प्रथम बौद्ध संगीत 483 ईसा पूर्व में, द्वितीय बौद्ध संगीत 383 ईसा पूर्व में, तृतीय बौद्ध संगीत 255 ईसा पूर्व में, और चतुर्थ बौद्ध संगीत ईसवी के प्रथम शताब्दी में आयोजित हुई थी। एक दो बार इसको पढ़ लें, 483 383 255 है प्रथम शताब्दी, 483 383 255 है प्रथम शताब्दी। प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन 483 ईसा पूर्व में तो हुआ, लेकिन कहाँ हुआ? कहाँ हुआ? राजा का मतलब है दोस्तों राजगृह में। प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ हुआ? राजगृह में। ये महाराजा से अध्यक्ष निकालेंगे तो महाराजा का मतलब है महाकश्यप है, और आजा, आजा शब्द से शासनकाल निकालेंगे मतलब प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ। तो आजा का मतलब है दोस्तों अजात शत्रु, यानी प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन 483 ईसा पूर्व में राजा मतलब राजगृह में हुआ, महाराजा मतलब महाकश्यप के अध्यक्षता में, और आजा का मतलब है दोस्तों अजात शत्रु, अजात शत्रु के शासनकाल में हुआ। चलिए दोस्तों दूसरी लाइन देख लिया जाए। बेस का मतलब है वैशाली, बेस का मतलब क्या है? वैशाली। ये दूसरी लाइन दूसरी बौद्ध संगीत के लिए है, दूसरी लाइन द्वितीय बौद्ध संगीत के लिए। कहाँ हुई द्वितीय बौद्ध संगीत? वैशाली में। सबका, सबका से निकालेंगे अध्यक्ष, सबका का मतलब है दोस्तों सभा कामी, अकाल का मतलब है काला शोक के शासन काल में हुई। मतलब द्वितीय बौद्ध संगीत कहाँ हुई? वैशाली में। अध्यक्ष कौन थे? सभा कामी, और किसके शासन काल में हुई? काला शोक के शासन काल में हुई। तीसरी लाइन तृतीय बौद्ध संगीत के लिए है, तीसरी लाइन किसके लिए है? तृतीय बौद्ध संगीत के लिए। पटाओ का मतलब है दोस्तों
पाटिल पुत्र, पटाव का मतलब क्या है, पाटिल पुत्र, मतलब तृतीय बहु संगीत का आयोजन कहाँ हुआ, पाटिल पुत्र में। माते, माते शब्द से हम अध्यक्ष निकालेंगे, माते से अध्यक्ष है कौन, मोगल पुत्र तिस्स, मोगल पुत्र तिस्स, ये तृतीय बौद्ध संगीत के कौन थे, अध्यक्ष थे। और आशिक का मतलब है दोस्तों अशोक, यानी तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ, अशोक के शासनकाल में। चलिए दोस्तों चौथी लाइन देख लें, चौथी लाइन में लिखा है कुंवर जी कंगाल है, तो कुंवर का मतलब है दोस्तों कुंडलवन, कुंवर का मतलब क्या है, कुंडलवन, कश्मीर के कुंडलवन में चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ, कहाँ होगा, कुंडलवन में। जी का मतलब है वसुमित्र जी, वसुमित्र जी, वसुमित्र जी चतुर्थ बौद्ध संगीत के अध्यक्ष थे। दोस्तों इसके उपाध्यक्ष थे अश्वघोष, उपाध्यक्ष कौन थे, अश्वघोष, ये चतुर्थ बौद्ध संगीत के क्या थे, अश्वघोष उपाध्यक्ष थे, लेकिन अध्यक्ष कौन थे, वसुमित्र जी। और कंगाल का मतलब है दोस्तों कनिष्क, कंगाल का मतलब क्या है, कनिष्क, यानी चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ, कनिष्क के शासनकाल में। चलिए दोस्तों एक बार और देख लें, राजा महाराजा आजा वेश सबका काल है, पटाओ मत आशिक कुंवर जी कंगाल है। राजा मतलब राजगृह, महाराजा मतलब महाकश्यप, आजा मतलब अजातशत्रु, वेश का मतलब वैशाली, सबका मतलब सभाकामी, काल का मतलब काला शोक, पटाओ मतलब पाटल पुत्र, मत का मतलब है मोगल पुत्र तिस्स, आशिक का मतलब है अशोक, कुंवर का मतलब है कुंडलवन, जी का मतलब है वसुमित्र जी, वसुमित्र जी चतुर्थ बौद्ध संगीत के अध्यक्ष थे लेकिन अश्वघोष उपाध्यक्ष थे, कंगाल का मतलब है कनिष्क। सन के लिए मैंने बताया था 483, 383, 255 है प्रथम शताब्दी। दोस्तों एक दो बार इसको पढ़ेंगे तो आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगा। कैसा लगा आपको ये छोटा सा वीडियो, अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और दोस्तों कमेंट करके भी बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तब तक के अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।